In association with Cuckoo FM. नेता नगरी में चर्चा के अंतिम सेशन में मेहमान बन जाएंगे सौरभ द्विवेदी और मेजबान बन जाऊंगा मैं, क्योंकि सौरभ आपकी चुनाव यात्रा चल रही है यूपी में। आज आप पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, जा जा करके लोगों से, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में है। एक दफे हम बात कर चुके हैं आपसे आपके अनुभवों पर, और इस एक हफ्ते में आपने कुछ और जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात की है, बात की है, लेकिन अभी भी आप वेस्ट में ही हैं और बेल्ट आपका फिलहाल चल रहा है मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में। तो एक एक छोटा सा करेक्शन है, बिजनौर से थोड़ा सा रुहेलखंड भी शुरू हो जाता है, बस ठीक है, ये मेरा ज्ञान है सौरभ यूपी को लेकर के, माफी चाहते हैं। हाँ, तो पहला सवाल वही है जैसा पिछले बार मैंने पूछा था, माहौल क्या है, और फिर उसके बाद मैं मेरी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं वहां चलेंगे। माहौल बहुत लल्लन टॉप, आदमी अपनी अपनी तैयारी किए बैठा है, और मैं पहली दफा ये देख रहा हूँ कि वोटर का फंडा क्लियर है, नाराज है, खुश है, कन्विक्शन सबके पास अपना अपना बहुत, सबका दिमाग लार्जली सेट है, बोले भले ही ना पब्लिक में। अच्छा ठीक है, मुझे क्या लगा कि ये भूमिका है। नहीं नहीं, मैंने अब निखिल जी, मैंने ये सोचा है कि मैं अब सारगर्भित ढंग से कम शब्दों में अपनी बात रखा देखते हैं कब तक ये कंट्रोल कर पाते हैं। सौरभ, ये बेल्ट वही है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब हमने 2013 में हिंसा का एक दौर देखा था, ठीक है, लोग उसको अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, जाट वर्सेस मुस्लिम, कोई कहता है कि वो एक बीजेपी का तरीका था ऑफ मेकिंग इनरोड्स इनटू द सो कॉल्ड जाट बेल्ट, अलग अलग चीजें हैं। अभी हाल ही में हमने ये भी सुना कि इन्हीं दंगों के मामलों में केस भी वापस लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्या उस मेमोरी को बहुत पीछे छोड़ाया है ये इलाका, या फिर अब भी जो तब की कड़वाहट है वो महसूस होती है आपको जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं? निखिल, उस मेमोरी को पीछे नहीं छोड़ा गया है, और ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। वो मेमोरी डिसाइसिव होगी या नहीं होगी, इसको लेकर द ज्यूरी इज स्टिल आउट, लेकिन लोग भूले नहीं हैं 2013 की वो घटना, 2014 के चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव में, और अगर जाट बिरादरी की बात करें तो पहली बार वो डिसाइसिवली बीजेपी के पाले में आए थे 2014 में। इससे पहले इस वोट बैंक के लिए बीजेपी को चौधरी अजीत सिंह के साथ गठजोड़ करना पड़ता था, ठीक है ना, चाहे वो 2009 का चुनाव हो या दूसरे दलों को भी। तो ये तो एक बात होगी, लेकिन अब जो कई लोगों को लगता है कि किसान आंदोलन का असर रहेगा, वो सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है, किसान आंदोलन प्लस गन्ना का 4 साल से रेट ना बढ़ना, प्लस बजाज जैसी कई प्राइवेट चीनी मिलों में भुगतान का अटका रहना, प्लस चौधरी अजीत सिंह की मृत्यु, और मृत्यु से पहले चौधरी अजीत सिंह का मुजफ्फरनगर से करीबी अंतर में, बहुत करीबी अंतर से चुनाव हार जाना, जिसको लेकर कई लोग तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि साहब चौधरी साहब तो जीत रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि पोस्टल बैलेट में जाके वो हारे थे और यहाँ पोस्टल बैलेट की ठीक ठाक संख्या थी। तो ये 4 फैक्टर है जो दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कंसोलिडेशन दिखता है, लेकिन क्या वो एक तरफा है? माई आंसर इज नो। अगर मैं सिर्फ उस कम्युनिटी की भी बात करूं तो वो एक तरफा नहीं है, और उसकी 2 वजह हैं। एक तो वो 2013 वाली बात, दूसरा जहां पर रालोद का कैंडिडेट है वहां उनको कंफ्यूजन नहीं है, जहां पर रालोद सपा के साथ जाएगी और अगर सपा से मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो वहां पे उनका इम्तिहान होगा कि उनका ये वाला एंगर बड़ा है या वो मेमोरी बड़ी है, लोक दल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बड़ी है जो एक 50% वोटर में, खासतौर पे जो बुजुर्ग तबके में है या जो नौजवानों का अपना एक्सपीरियंस है वो बड़ा है। और अभी तो 5 सितंबर को महापंचायत भी है, उसको लेके भी प्रशासन तैयारियों में जुटा है, क्योंकि इस महापंचायत में पंजाब और हरियाणा के भी किसान संगठनों के आने की संभावना है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण इवेंट है, तो सब अमला तैयारी में जुटा हुआ है वहां पे, हम लोग बीते दिन गए भी थे उन तैयारियों को देखने, और स्टांस काफी एग्रेसिव भी है, हम लोग वहां पे बात कर रहे थे तो कुछ दूसरी पार्टियों के समर्थक आ गए तो झगड़ा भी हो गया, जिसकी वजह से हमें अचानक बातचीत ही बंद करनी पड़ी, क्योंकि अपना बहुत क्लियर है बॉस कि ये लड़ाई झगड़ा करना है तो आप लोग कर लो, आप उसमें जो भी करना है, हम उसमें क्या ही बोलेंगे किसी को, लेकिन
हमें वो वाली डिबेट नहीं चाहिए कि हम आपका सर फोड़ देंगे या कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो एग्रेशन क्या विधानसभा चुनाव तक और बूथ के लेवल तक रहेगा? अगर बीजेपी गन्ने का रेट बढ़ा देती है 425 से 450 760 कर देती है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा कि साहब आंदोलन तो जो है वो है, लेकिन अगर एक बार गन्ने का रेट बढ़ गया तो फिर आप देखोगे कि इसकी धार कमजोर हो गई। और रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पोलराइज होता है, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर बाकी लोगों के लिए है तो वो जाट कम्युनिटी के लिए भी है, पहली चीज। और एक तो ये मैंने आपको कहा ही था कि दूसरे पोलराइजेशन भी होते हैं, कहीं कहीं जहां बड़ा क्लियर कॉम्बिनेशन होता है वहां पे वो कंसोलिडेशन दिखेगा। मेरठ की मेरठ कह रहा हूँ, बिजनौर की सीटों पे आपको उसका असर दिखेगा, मुजफ्फरनगर में उसका असर दिखेगा, अगर सहारनपुर में इमरान मसूद आ जाते हैं सपा के साथ तो वहां पे असर दिखेगा, सपा और रालोद का बहुत क्लियरली दिखेगा। तो पश्चिमी यूपी में मुकाबला फिलहाल बराबरी का है, जो मैंने पहले भी कहा था, और चीजें सिर्फ वैसी नहीं जैसी टीवी के ऑप्टिक्स में या बाइक के ऑप्टिक्स में नजर आ रही। हाँ, मतलब इसी ने उस सवाल को पूरा कर दिया। एक्चुअली मैं वो पूछना चाह रहा था, क्योंकि इस चीज के लिए अपनी, मतलब इस चीज की अपनी करेंसी है, स्पेशली दिल्ली में, जहाँ पे मतलब थोड़ी छूट लेके ये कह दिया जाता है कि यूपी में फिलहाल बीजेपी फ्रंट रनर है, लेकिन चूंकि आप वहां हैं तो मैं कैटेगोरिकली, मतलब मैं अलग से पूछना चाहता था कि क्या आपको वाकई ऐसा लग रहा है मैदान पर भी? देखिए, मैंने कहा ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल टर्फ है, ठीक है। वो न्यूमेरिकली भी अगर आप देखेंगे जो कास्ट और रिलीजियस कॉम्बिनेशन होते हैं उसके हिसाब से भी, और सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन किसी के लिए भी मामला एक तरफा नहीं है, और अभी चुनाव में वक्त है, ठीक है। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना होगा। सर, अब आप सहारनपुर भी होके आए हैं, और एक दर्शक हमारे जानते हैं बीएसपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और अभी जब हमारी पहले भी बात हो रही थी कि बीएसपी के विचार ने जो एक नई शक्ल लेने की कोशिश की, वो एक फिनोमेना, मतलब वो पूरा डेवलप अभी होना बाकी है, चंद्रशेखर, इन दोनों को लेकर के वहां पे किस तरह का फीडबैक आपको लोगों से मिला? क्या बसपा अब भी इस बेल्ट में एक्टिव है? क्या चंद्रशेखर जितने वोकल टेलीविजन पे हमको दिखते हैं, क्या मैदान पर वो जाकर के लोगों से मिलते हैं? क्या लोग उन्हें जानते हैं? क्या जिस तरह की बातें चंद्रशेखर करते हैं लोग उनसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे तब तक उनका क्रेज था, लोगों को लग रहा था कि ये नया अम्बेडकर यूथ आइकन है, और उससे मायावती वती के पॉलिटिकल बेस को भी कोई डायरेक्ट चैलेंज नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है कि अब ये चुनावी मुकाबले में है, इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बना ली है, तो इसीलिए हम सहारनपुर गए थे यही देखने के लिए। और ये बात मैंने अपने ब्लॉग में भी कही थी, यहाँ भी कहूँगा कि दलित वोटरों के बीच जो मायावती या बसपा का होल्ड है वो अभी कमज़ोर नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये देखना दिलचस्प होगा कि सहारनपुर जैसी जगहें क्यों बीजेपी बीएसपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करती थी, कि मुस्लिम्स का एक तबका था जो टेक्टिकल वोटिंग किया करता था कि अच्छा कौन बीजेपी के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट है, और जो दलित वोट बैंक है उसमें भी जाटो, वो एक एश्योर्ड वोट बैंक हुआ करता था, ठीक। अब ये दो हो गए, मुस्लिम देख रहा है कि कहाँ जा रहा है, जाटो एक हो गया, और तीसरी अगर एक कास्ट जुड़ गई, सैनी जुड़ गई, कश्यप जुड़ गई या कोई जुड़ गई, तो वो रूरल एरिया में एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता था, ठीक है। लेकिन अभी वो बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में अब लोकसभा चुनाव से और आगे देखें तो वो बसपा को उतने बड़े पैमाने पर विकल्प की तरह नहीं देख रहे। देयर चॉइसेस आर वेरी क्लियर, मतलब आप रेंडमली अगर कोई भी व्यक्ति हमारे इलेक्शन वीडियोस देख रहा होगा तो उसको बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आएगी। तो इस वजह से वहां पे थोड़ा सा रीअलाइनमेंट हो रहा है। बसपा का 10-12% वोट अभी भी इंटैक्ट रहेगा ऐसा हमें लगता है। आजाद समाज पार्टी को लार्जली वोट कटुआ के तौर पर देखा जा रहा है अभी, और जो बीएसपी के या मायावती जी के हार्डकोर सपोर्टर है वो तो ये इसको बिल्कुल एक कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह पेश कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी अपने आप को, और चंद्रशेखर युवा हैं, है ना, एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उनकी। मैं कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि कोई भी मामला आता है, चाहे उत्तर प्रदेश में या पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी, तो भीम आर्मी के लोग तुरंत एक्टिवली पहुंचते हैं। पर आपने, आपने के लिए गौर करिए, आप महाराष्ट्र से आते हैं, कि दलित पैंथर्स
वो अपने आप में एक पॉलिटिकल इकाई नहीं थे, वो पॉलिटिकल इकाई को बैकिंग किया करते थे, जैसे आरएसएस की बीजेपी को बैकिंग है। तो जब तक भीम आर्मी उस रोल में ठीक ठीक था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की दुविधा यह है कि उनको बीएसपी में वो स्पेस नहीं मिल रहा। अगर मायावती मतलब खैर मैं तो कौन ही होता हूँ किसी को सलाह देने वाला, पर मुझे लगता है अगर मायावती को लॉन्ग रन में पॉलिटिक्स करनी थी तो उन्हें भीम आर्मी या चंद्रशेखर जैसे नौजवानों को अकोमोडेट करना चाहिए था। दिस इज हाउ इट वर्क्स ना, कि आप जो भी उभर रहे हैं नए नए नायक उनको आप अकोमोडेट करो। वो बोथ वेज काम करता है। अगर आपको धार कुंद करनी है तो भी आप अपने इकोसिस्टम में अकोमोडेट करके कर सकते हो, या आपको प्रोजेक्ट करना है तो भी कर सकते हो। और देर सवेर तो आप हर पार्टी अपनी दूसरी पांत तीसरी पांत के लीडरशिप को तैयार करती है ना। तो मीडिया में थोड़ा ज्यादा हल्ला है, ग्राउंड पर उतना हल्ला नहीं है। एक एक बहुत छोटा सवाल मुझको जयंत चौधरी को लेकर भी पूछना था, सिंस इससे फिर आप और आगे निकल जाएंगे मेरे ख्याल जाट बेल्ट से बाहर। आप महापंचायत की बात कर रहे थे जो 5 तारीख को होने वाली है, ऑन रिकॉर्ड है टिकैत, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की इच्छा वो रखते हैं जिसे सरकार रोकना चाहती है। इसी तरह की जो किसान पंचायतें थी उन्होंने एक तरह से रिवाइव किया जयंत चौधरी को हमारे लिए, जो दिल्ली में न्यूज देखते हैं और फिर उसको एक तरह से रिपैकेज करते हैं दर्शकों के लिए बुलेटिन की शक्ल में। चौधरी साहब जो शब्द हम बोलते हैं वो उनके पिता के लिए ही इस्तेमाल होता है, छोटे चौधरी, छोटे चौधरी जी। तो उनका कितना कनेक्ट आपको मिल, मतलब वो महापंचायत वाली वाइब अभी तक वो कैरी कर पाए हैं या फिर वो एक एक, एक समय था जो बीत गया? देखिए ये क्रमशः वाला मामला है ना। जैसे हम कोई भी डायनेस्टी देखते हैं तो वो शुरू होती है, उरूस पे जाती है और डाउन आता है। तो जिस तरह का कल्ट, जिस तरह का श्रद्धा भाव मैंने लोगों के बीच चौधरी चरण सिंह को लेकर देखा, और सिर्फ जाट समाज में नहीं दूसरे समाजों में भी, चाहे वो गुजर समाज हो चाहे वो और प्रेजेंट कास्ट हो। तो चौधरी अजीत सिंह सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियन थे, और वो जब आए तब तक चौधरी चरण सिंह का एक पॉलिटिकल पीक हो चुका था जो 60s में शुरू होता है और 80 तक चलता है ना। और तो चौधरी चरण सिंह की विरासत को उतनी मजबूती से अजीत सिंह कैप्चर नहीं कर पाए। चौधरी चरण सिंह पूरे उत्तर प्रदेश के नेता थे, बिहार के भी नेता थे, हरियाणा के भी थे। चौधरी अजीत सिंह मुलायम सिंह यादव के हाथों विधायक दल का चुनाव हारने के बाद क्रमशः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता बन के रह जाते हैं। और ऐसे में अगर मैं रालोद के ही एक समर्थक के शब्दों में कहूं, जी हम तो छोटी पार्टी हैं तो हमें तो अलाइनमेंट देखना ही होगा अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए, फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या जो कहा जाता है 2011-12 में कि आप कांग्रेस साथ क्यों गए, तो वो जाटों के लिए आरक्षण का मुद्दा हो, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो एक जो वर्ग है, मतलब अगर आप तुलना के स्तर पर कहें तो भारतीय किसान यूनियन का उतना माइक नहीं है, मुजफ्फरनगर के कुछ पॉकेट्स में है, वो जलवा रालोद का ही है जो आपको पंचायतों में दिख रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वो जलवा रालोद का ही है। और रालोद चुनाव भले ना जीत पाई हो अभी 2014-2019 में, लेकिन उनका एक वोट बैंक है, ठीक है। अब होता यह है कि वो इतना असर्टिव वोट बैंक है कि बाकियों को साथ नहीं ले पाता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इतनी उनकी अग्रेसिव है कि बाकी लोगों को लगता है कि अरे नहीं ब्रो ये अपना हो गया, जैसे तुम बोलते हो ना। तो वो एक मसला है। तो जयंत चौधरी के सामने अभी समस्या और पॉलिटिकल चैलेंज यही है कि वो कौन सा नैरेटिव हो, वो कैसे रिप्रेजेंटेशन हो जिसमें दूसरी जातियां भी उनके साथ प्रमुखता से जुड़े, सिर्फ वो उस पर नहीं। और इसके लिए जयंत चौधरी काफी रीच आउट प्रोग्राम चला भी रहे हैं, सक्रियता मतलब दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो अब ये इस पर निर्भर करता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सपा के साथ अलाइनमेंट, और उसके अलावा एक जो खुसर खुसर चल रही है कि साहब सपा साथ आ जाएगी, रालोद साथ आ जाएगा, महान दल साथ आ जाएगा, है ना। तो मौर्य समाज की थोड़ी आस्था है उसके प्रति, और कौन साथ आएगा, क्या कांग्रेस भी साथ आ सकती है, कोई और भी साथ आ सकता है। तो वो अभी एक चीज चल रही है, पर हाँ एक पॉलिटिकल माइट है, लेकिन वो चूंकि इलेक्टोरल सक्सेस में नहीं दिख रही है तो वो एक ग्रज भी जमा हो रहा है। जैसे मुझे लोग बोले कि राव हमको बड़ा अफसोस हुआ कि हम छोटे चौधरी को यानी कि चौधरी अजीत सिंह को आखिरी चुनाव नहीं जितवा पाए, तो है ना। और आज जिन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को किसान आंदोलन का चेहरा बताया जा रहा है, मुझे मुजफ्फरनगर में बहुत लोगों ने बताया कि टिकैत फैमिली ने संजीव बालियान को सपोर्ट किया लोकसभा चुनाव में,
जब चौधरी अजीत सिंह वर्सेस संजीव बालियान हुआ मुजफ्फरनगर में, ये बात कही गई है ना। बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, कुछ ऑन कैमरा कुछ ऑफ कैमरा, तो अभी यहाँ चर्चा चल रही है। पर जो मैंने आपको तब बात कही कि अगर गन्ने का रेट बढ़ जाएगा तो चीजें थोड़ी बदल भी सकती हैं। ठीक है, चर्निंग चलती रहे, आप भी चलते रहे और चलता रहे ललन टॉप यूपी का चैनल, जहाँ पे हम क्या हाल है यूपी के तमाम वीडियोस देख सकते हैं, हम भी देखते हैं, हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी देखें। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं। एक चीट शीट हम यहाँ शेयर कर देंगे, सौरभ ये बता दें कि आप अब कहाँ कहाँ होने वाले हैं, ताकि लोग फिर फोन करते रहते हैं वो कि कहाँ होंगे कहाँ होंगे, बहुत लोग नंबर मांग रहे थे मुझसे। देखो भाई, भी फोन आया। हाँ, तो सबसे पहले तो जो निखिल ने कहा कि लल्लन टॉप यूपी पे आओ, क्योंकि मौज वाले वीडियो वहीं मिलेंगे, वो मेन लल्लन टॉप पे नहीं मिलेंगे। लाइव भी लल्लन टॉप यूपी पे मिलेगा, और जो ब्लॉग होते हैं एकदम रूम में बैठे हुए हैं आराम से बतिया रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई दिन के किस्से बता रहा है, वो सब आपको लल्लन टॉप यूपी पे मिलेगा। नए प्रयोग कर रहे हैं कुछ हम वहां पे, एक चीज वो है। दूसरी चीज, शनिवार को नेता नगरी रिलीज होता है, शनिवार को हम अमरोहा में होंगे, उसके बाद हापुड़ में होंगे रविवार को, फिर एक दिन की छुट्टी लेंगे, और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर करेंगे 2 दिन नोएडा, उसके बाद हम बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद हाथरस, हाथरस के बाद मथुरा और फिर आगरा। तो यहाँ तक का हमने रूट बता दिया है। उसके बाद फिर फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बनायू, संभल, वो फिर वापस से ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा रूट रहेगा, है ना। और अभी आप आगरा तक का रूट मैंने इसीलिए दर्शकों को बता दिया है अगले 1-1.5 हफ्ते का। और हल्का फुल्का 19-20 होता रहता है, उसके लिए फॉलो कीजिए हमारे ट्विटर टाइमलाइन को, वहां पे सुबह सुबह आपको वो ट्वीट्स मिलेंगे जिनमें जानकारी होगी कि सौरभ आपको उस दिन एग्जैक्टली कहाँ मिलेंगे। लल्लन टॉप यूपी के यूट्यूब चैनल पर भी वो कार्ड डाला जाता है, पर भी कार्ड डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये रही बात।